5:05 शाम की नहीं सुबह की। इंस्टाग्राम में पूछा था आप सभी लोगों से और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे जिसमें से मैंने आई थिंक 6-7 सिलेक्ट किए हैं मिस काजल की तरफ से आपके लिए। मेरे लिए ऑल राइट काजल नहीं काजल आपके लिए नहीं है मेरे लिए सॉरी। आपने शादी के बाद जॉब की या शादी होने से पहले? सो मैंने 2013 में जॉब की थी और मेरी शादी 2016 में हुई है, इसका मतलब मैंने जॉब पहले की है और शादी बाद में। हाउ डिड यू मीट योर हस्बैंड द फर्स्ट टाइम एंड व्हाट वाज द रिएक्शन? सो आई वांट यू टू आंसर दिस। ओके, व्हेन आई सॉ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, सो पहली बार जब हम लोग मिले थे, ये मेरे हमारे यहाँ पर परफ्यूम्स लेने आई थी। लाइक शी वाज फ्लाइंग विद माय भाभी दैट टाइम, so they were best buddies. हमें उदयपुर से I came here Ahmedabad to work. हम वहाँ पे perfumes का दिन भर काम करते रहते थे, मैं मेरा भाई और एक packing वगैरह का, और हमने देखा इतने मतलब it's been what 3-4 weeks हुए होंगे मुझे आए हुए उस जगह पे, और मैं देखता हूँ कि 3 सुंदर कन्याएं एकदम, और मैं परफ्यूम जमाते जमाते मैंने कहा ये क्या हो गया। सो आउट ऑफ 3 मेरा फोकस ऑल अटेंशन, पहले तो तीनों ने अटेंशन लिया, मेरा अटेंशन तीनों की तरफ गया। इट्स बीन वीक्स एंड मैं वहां पे काम कर रहा हूँ और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाता हूँ, और वहां पर मेरे को जहां मैं काम कर रहा हूँ बैठ के वहां पे सुंदर कन्याएं दिख रही है, तो आप सोच सकते हो मेरा रिएक्शन क्या हुआ होगा। So, मेरा फोकस क्लियर था। हाँ तो फोकस क्लियर था, बट लाइक ही टॉक मोर अबाउट 3 कन्याएं देन एनीथिंग मी। बट मैंने देखा कि सबसे ज्यादा टाइम मैं कहां पे मेरी आंखें अटकी हुई है। The moment you left, तो वहाँ पर मैं बालकनी में मैं गया था देखने, and I remember there's a filmy style going on, मैं देखा नीचे से मेरे अंदर कुछ thought आया, I don't remember exactly, and she turned, वो ये क्या हुआ? I remember that I turned and I look at you and you were looking, मतलब मेरे को ही देख रहे थे, but और तीनों लड़कियों में सिर्फ मैंने ही turn किया था और किसी ने turn नहीं किया था, नहीं, you मैंने ही, who proposed first? See, proposal as in like for girlfriend boyfriend proposal और शादी के लिए proposal, तो of course शादी के लिए मैंने इसको propose किया था, first proposal ring भी दी थी, and उसके एक साल बाद हमने शादी करी थी, या 1.5 साल बाद शादी करी थी, when I gave the proposal, but when it terms to how एक वो stamp लग गया कि हाँ now you're official girlfriend boyfriend, तो I don't remember कि ऐसा कुछ हुआ था, because it just happened. So who proposed to for relationship? We don't know, but for marriage he proposed me. And उसके लिए अलग वीडियो होगी क्योंकि बहुत ही सुंदर प्रपोजल था और मेरे दिमाग में ऐसी planned proposal मेरा। Yes. How you both overcame from insecurity of the other one? पहला क्वेश्चन और उससे adjoining एक और क्वेश्चन है उसके बाद। तो इनसिक्योरिटी की बात करें तो हम दोनों को देखकर सबसे ज्यादा इनसिक्योर ये नहीं है। उल्टा हुआ ना गाइस, ये मेरा बचपन से प्रॉब्लम था जो मुझे हमेशा से पता था कि मुझे चेंज करना है। अपनी जो जेलसी है, जो मैं शक करती हूँ, ये सारी चीजें, ये मुझे पता चल गया था कि ये मेरे रिलेशनशिप्स को खराब करता है, क्योंकि मैं सौरभ के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं कभी कभी बहुत ज्यादा कभी कभी नहीं, मैं इतना भी शक नहीं करती यार जितनी दूसरी लड़कियां करते हैं। ऑफ कोर्स ये क्या मैं शक करती हूँ, जब आप रीजन दोगे सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो मैं बात छुपाऊंगा किसी चीज को तो वहां इनसिक्योरिटी की रीजन क्रिएट होते हैं। मेरा दिमाग इतना ज्यादा शार्प है चीजों को ढूंढने के लिए, तो खबरी नहीं तो हाँ, तो कोई भी चीज दिमाग ऐसे फीलिंग आ जाती है कि ये कुछ गलत हो रहा है या क्या हो रहा है, तो बस फीलिंग को प्रूव सही
करने के चक्कर में मैं चीजें ढूंढने लग जाती थी, इंट्यूशन की बात हो जाती। सो मैं सामने हूँ या नहीं हूँ, अगर मेरे पार्टनर को जो भी करना है वो वैसे भी करेगा, मतलब एटलीस्ट उसको खोद के जानना नहीं चाहती। एंड उसके पीछे ये सोच के कि ये ऐसा हुआ होगा कि नहीं होगा, वो अब मैं ताकत नहीं रखना चाहती हूँ, मेरे में है भी नहीं। ऑफकोर्स एक अनसॉल्व मिस्ट्री को जानने के लिए दिमाग कहाँ कहाँ आपको डायरेक्ट करता है कि ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सो माई एंटायर थिंग इन दिस थिंग वॉज ऑफकोर्स इनिशियल ईयर्स में प्रॉब्लम होती है समझने में कि क्या है क्या नहीं है, बिकॉज मेरे को पता चला पहली बार, दिस वॉज माई, फॉर मेरे लिए इट वॉज अ फर्स्ट रिलेशनशिप जिसको हम बोल सकते हैं कि अच्छे से कोई रिलेशनशिप में हुआ, अदरवाइज मेरे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने एंड दैट्स इट। आफ्टर कमिंग टू रिलेशनशिप विद हर आई रियलाइज कि हाँ कि जो पॉइंट्स होते हैं, जासूस लड़कियाँ जो होती है दैट नजरों से बच के कुछ नहीं जा सकता। इनसिक्योरिटी की बात हुई ना, आप बताओ आपको इनसिक्योरिटी की बात। मेरे को सा लॉजिक है फॉर मेन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू यू नो टू बी विद समवन। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो एक लड़के के बाद एक लड़की से बहुत ही कम होती है। बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ यू नो सुपर स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल एंड बीइंग इन अ फील्ड वेयर यू मीट हंड्रेड्स ऑफ न्यू फेसेस एवरी डे। Now she's coming announcing, तो 180 जनों की आंखें आपके ऊपर है, तो उस वे में देखने जाऊंगा तो ऑफकोर्स इनसिक्योरिटी फील होती है, बट नहीं, बट मेरा ये था कि आई नो हर टेस्ट कि इसको लड़के कैसे पसंद आते हैं, और जिस जिस जो जिस तरीके के लड़के जो होते हैं ना, जो नॉर्मल जनता को कि वाओ यार ये तो एक्टर है, यार वाओ यार ये तो ऐसा है, तो इसलिए तो ये जो ज्यादा नामी नाम चेहरे और ज्यादा अपने आप को शोशा करने वाले ऐसे लोग ही तो सबसे पहले ही लिस्ट से आउट हो जाते हैं। हाउ डू यू गाइस मैनेज योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? समवन इज इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग, तो सबसे पहली चीज है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क ही नहीं कर सकता। देयर शुड नॉट बी एनी इनसिक्योरिटी। हाँ, ड्यूरिंग दिस टाइम द इनसिक्योरिटी में एंटर, तो वो अपने अपने रीजंस हो सकते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग इट इवेंचुअली वो एनर्जी लेवल जो है सामने वाले को वो पता चल जाती है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा यू नो आई एम थिंकिंग कि ओ आई डिड समथिंग रॉन्ग, सो वो इवेंचुअली वो एनर्जी यहाँ पे चली जाएगी एंड वाइस वर्सा। सो एक लास्ट क्वेश्चन है मिस्टर मिराज की तरफ से, What scent do you like on Saurabh bhai and vice versa? मुझे ये पता है कि सौरभ जनरली स्वीट सेंट्स लगाना पसंद करते हैं। Yes, I like sweet scents. With a lot of vanilla. I love vanilla scents. Yeah. But sweet and fresh, I love the most. Yeah, so that is what. Like I can't name one particular scent. But मैं पूरे टाइम महकता रहता हूँ. But there's very few times when she compliments, क्योंकि मुझे पता है हमेशा मेरे में से स्मेल आ रही है, बट जो मेरे में से कॉम्प्लीमेंट आ रही होती है, जो हमेशा कोई फ्रेश और स्वीट का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो आ रही होती है। That's the answer for you, Miraj. Okay, guys, thank you so much for being here. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये रिलेशनशिप फॉर्म करके। अब हमारा थ्रीसम है, हम दोनों और आप। जहाँ मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कैमरे में मुझे यहाँ देख के बात करनी है। थैंक यू सो मच, गोइंग टू बिल्ड अ वेरी क्लोज नेट फैमिली। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।